गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 22 है, इसे अच्छे से लेबल की है। डेट, क्लास, सब्जेक्ट रखना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विजुलाइजेशन सॉलिड शेप, यानी सॉलिड शेप्स आपको कैसे दिखती है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यूइंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ सॉलिड, यानी जो सॉलिड है उसको अलग अलग प्रकार से हम कैसे देख सकते हैं। लेट्स प्ले, चले खेलते हैं। मेक क्ले मॉडल ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एंड कट इट वर्टिकली, इसको बनाइए और इसको वर्टिकली काटिए। यू विल गेट सेवरल पीसेस, अब आपको बहुत सारे से पीसेस मिलेंगे। ईच फेस ऑफ द पीसेस इज, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, आगे लिखना है दिस फेस इज कॉल्ड द, इसकी जो फेस इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द मॉडल। नाउ थिंक, जरा सोचिए, इफ यू कट द हॉरिजॉन्टल, अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली काटती, देन फेस ऑफ द पीसेस ऑफ, तो ये क्या होता, फिर ये राइट ट्रायंगल ही रहता। ठीक है, फिर ये आपका राइट ट्रायंगल ही रहता। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, लुक अराउंड विजुलाइज ऑफ अ सॉलिड शेप नेम्ड एंड ड्रॉ देम। अब क्या करना है, इसे देख के यहाँ सॉलिड शेप के नाम लिखने, जैसे कि ये स्फीयर हो गया, ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये स्क्वायर हो गया यानी क्यूब हो गया, और ये आपका कोन हो गया, है ना। अब यहाँ इनकी तस्वीर बनानी है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चों, मैंने इंग्लिश वाले पे कर दिया, ये ट्यूबलाइट ही लिखा है, ये ऑरेंज, ये मैच बॉक्स, ये आपका कैंडल, मोमबत्ती, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको दी गई हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मैंने चित्र भी बना के दे दिए और इनके शेप भी बता दिए कि ये किस शेप के होंगे। ठीक, कर लेंगे आप लोग, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, वॉट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट वैन यू गिव अ, यानी क्या आपको क्रॉस सेक्शन मिलेगा जब आप ऐसे करेंगे, वर्टिकल कट करेंगे या हॉरिजॉन्टली कट करेंगे। डू टू द फॉलोइंग सॉलिड शेप, इन सॉलिड शेप को आपको कट करना है और जो ऑब्जेक्ट आपके सामने आता है आपको उसे लिखना है। ठीक है, अब जैसे आपने एक डाइस को काटा तो वो स्क्वायर रहेगा, चाहे वर्टिकली काटे चाहे हॉरिजॉन्टली काटे। ऐसे एक एप्पल को, एक ब्रिक को, एक सर्कुलर पीस को और एक आइसक्रीम को उनको काटेंगे तो कौन सी फिगर, मतलब क्या चीज़ आपके सामने आएगी, चलिए देखते हैं आंसर। तो देखिए, आप देख सकते हैं डाइस जो है वो स्क्वायर ही रहेगा, वर्ग रहेगा, है ना। एक एप्पल को अगर हम काटेंगे तो वो अर्थ गोल बन जाएगा, यानी कि हेमिस्फीयर बन जाएगा। ब्रिक्स, यानी कि अगर हम किसी ईंटे को काटेंगे तो वो एक तरफ से क्यूब रहेगा, एक तरफ से क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सर्कुलर पाइप को काटेंगे तो यहाँ पे वो हाफ सर्कल कहलाएगा, सिलेंडर कहलाएगा, और यहाँ पूरा ही वो सिलेंडर ही रहेगा। आइसक्रीम कोन की बात करें तो वो कोन कोन जैसे ही रहेगा, कर लेंगे। यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ ईच पिक्चर इन द फॉलोइंग करेक्ट सॉलिड शेप, हर पिक्चर को आपको सॉलिड शेप में दर्शाना है जो कि उसका सही जगह है, जैसे कि ये इसकी, ये पिरामिड की, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, ये इसकी, और ये सिलेंडर, और ये बर्थडे कैप, कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, आज की वर्कशीट बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।